अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल हसीब, वेलकम बैक माय चैनल आर 23। आज हमने दो देगें तैयार करवाई हैं, बल्कि ये तैयार हो रही हैं आपके सामने। ये मीठे चावलों की देग है, इसको दम लगा हुआ है। उसके बाद ये नमकीन चावलों की देग तैयार हो रही है। हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं और मुकम्मल तैयारी हम इस वीडियो पर बताएँगे आपको, साथ साथ मुकम्मल देगों की तैयारी आप को कैसे तैयार की जाती है। नमकीन चावलों की जिसे हम ये पुलाव बनवा रहे हैं, जो मुर्ग पुलाव और मीठे चावलों की देखिए, सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर देखें, आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आज हम मीठे चावलों की और नमकीन चावलों की देग पका रहे हैं। तो ये हमने आग जला ली है, अब देग ऊपर रखने लगे हैं। इस पर पहले मीठे चावल बनेंगे, इसके बाद नमकीन चावल। ये हम दिखा देते हैं, आग जलाई है, इसके ऊपर हमने देग रख ली है और देग के अंदर दिखा देते हैं आपको। ये पानी उबालने के लिए रखा है, साथ साथ आपको प्रोसीजर सारा बताते रहे नाजरीन। ये 8 किलो जर्दे के चावल हैं, ये सुबह से भिगो के रखे हुए हैं, 2 घंटे पहले हमने इन्हें भिगोया था। अब ये तैयार हो रहे हैं, ये इनकी छांटी की जा रही है। अब इसे धोया जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखें जी, ये नाज़रीन ये देखें, ये 8 किलो चावल देग के लिए तैयार हो रहे हैं, इन्हें धोया जा रहा है अच्छे तरीके से। इसके बाद ये देग में डाले जाएंगे। नाज़रीन ये देग में पानी उबल रहा है, ये देखें, आप देख सकते हैं। मैं ज़रा आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ, इधर धूप है इसलिए इसमें आप चावल डालेंगे। ये 8 किलो चावल हैं जर्दा के लिए, ये तैयार हो रही है देग। ये देखें, ये चावल इसमें डाले जा रहे हैं ताकि चावल की पकाई अच्छी तरीके से हो सके। ये चावल इसमें ऐड हो गए हैं, अब इसमें चम्मच चलाया जाएगा, उसके बाद इसको फिर ढाँप दिया जाएगा। ये इसमें आग धीमी रखनी है, ये आपके सामने आग, और ये चम्मच इसमें हलाया जा रहा है अच्छे तरीके से। ये आप अंदर देख सकते हैं चावल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये चावल हमने नीचे उतार दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये उबल गए हैं चावल। उसके बाद ये इसकी चाशनी तैयार हो रही है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये चाशनी का कलर है और ये अभी तैयार हो रही है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये चाशनी हमने इसमें ऐड कर दी है देग में, ये देख सकते हैं आप। ये मसाले इसमें ऐड किए जाएंगे, ये जो ये पूड़ी है रंग की, ये मीठे चावलों में ऐड की जाएगी, ये 3 पूड़ियाँ। उसके बाद ये इमली नमकीन चावलों के लिए, ये नमक जो है नमकीन चावलों के लिए, और ये अचार गोश्त भी नमकीन चावलों के लिए, और ये दड़ा मिर्च नमकीन चावलों के लिए। ये नाज़रीन प्याज काट लिया गया है, ये आप देख सकते हैं, 2 किलो प्याज काटा है। और इसके साथ ये चने हैं, जो चावलों में 1 किलो चने थे, इसको पहले भिगोया है 3 घंटे, उसके बाद इसको फिर कुकर में हीट लगाई है। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के गले हुए हैं, ये आपके सामने ये देखें, ये गले हुए हैं। इसके इसमें जो दही ऐड की जाएगी, वो 1 किलो दही ऐड की जाएगी, वो भी इधर आई पड़ी है। इन देख के लिए टमाटर काटे जा रहे हैं, भाई से पूछते हैं कितने टमाटर हैं, ये इनकी स्पीड भी चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है भाई की। भाई जान, ये कितने टमाटर, ये कौन कितने चावलों में डालेंगे? 1.5 किलो 12 किलो की भाई देख बन रही है, इसमें 1.5 किलो टमाटर ऐड किए जाएंगे। ये आपके सामने इसकी कटाई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये अब देग दम पे रख दी गई है, ये आप देख सकते हैं, इसको दम लगा दिया गया है। इसके बाद इसमें फिर बाकी चीज़ें ऐड की जाएंगी। दम लगाने से पहले इसमें चम्मच अच्छी तरह हलाना लाया जा रहा है। ये अच्छी तरह से दम लगाया जा रहा है देग को, अब ऊपर कोयला लगाया जा रहा है देग के। ये अच्छी तरह
कोयला लगाया जा रहा है इसे अखबार के साथ, जो है ट्रे एक परात ऊपर दे दी गई है और ये कोयला अच्छी तरह से लगाया जा रहा है। ये उसमें से कोयला लेके आया जा रहा है, जो साइडों पे अच्छे तरीके से लगाया गया है। तो ये कितने मिनट का भजन दाम लगेगा? ये भजन एक घंटे का इसको दम लगेगा, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड की जाएंगी। अजय नाजरीन, अब नमकीन देख के पा रही है, गोश्त वाले चावल पुलाव बन रहा है, ये इसमें ऑयल ऐड हो रहा है। भजन कितना ऑयल इसमें ऐड करेंगे? 3 किलो। 3 किलो इसमें भजन ऑयल डाला है। इसके बाद ये देख को भजन चूल्हे पर रख दिया गया है, यहाँ फिर आग जलाई जाएगी। ये आग जलाई जा रही है, बाकी चीज़ें इसमें अब ऐड की जाएंगी। नाजरीन, ये अब ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें प्याज ऐड किया जा रहा है। ये 2 किलो प्याज इसमें ऐड करना है ब्राउन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से छान लिया गया है। और ये देखें, अब ये गर्म करने के लिए इसमें चम्मच चलाया जाएगा। ये प्याज लाल हो चुके हैं, ये ब्राउन हो चुके हैं, इनका कलर आप देख सकते हैं। अब इसमें गोश्त ऐड होने जा रहा है। ये कितना गोश्त है भैया? 4 किलो। 4 किलो गोश्त इसमें ऐड किया है जी। अब इसकी बुनाई होगी अच्छे तरीके से। नाजरीन, ये गोश्त को भून गया। अब इसमें ये मिर्च का पेस्ट, अदरक और थोम का पेस्ट इसमें ऐड करने लगे हैं। ये ऐड कर दिया। ये क्वांटिटी बता दें भाई, ये कितना कितना था मिर्च और अदरक और थोम? एक पाव इसमें, एक पाव हरी मिर्च और एक पाव अदरक और एक पाव थोम ऐड किया है इसमें, लहसुन जिसे कहते हैं। अब इसमें टमाटर ऐड होने जा रहे हैं, आपको बता देंगे कितनी क्वांटिटी टमाटर। ये देखें कैसा इसका कलर निकला है, बड़ा अच्छा प्यारा ज़बरदस्त कलर बन गया है गोश्त का, मसाले का, ये आप देख सकते हैं। बढ़िया, ये इसमें टमाटर है, इसमें नमक, दड़ा मिर्च, इमली ऐड की है। क्वांटिटी आपको बता देते हैं, ये आप देख में डाला जाएगा। ये आपके सामने देख में ऐड कर दिया है। ये कितने टमाटर भाईजान ऐड किए हैं? 1.5 किलो टमाटर। और इमली कितनी थी? पाया इमली। नमक? नमक तकरीबन 1.5 पाव। 1.5 पाव नमक ऐड किया है इसमें, और दड़ा मिर्च 1/2 पाव के करीब ऐड किया है। ये अब इसको सबको भुना जाएगा अच्छे तरीके से। 1 किलो दही इसमें ऐड होने लगी है, ये आपके सामने ऐड हो रही है। ये फ्रेश दही है, अभी लेके आए हैं इसमें। आपने अच्छी किस्म की फ्रेश दही ऐड करनी है। अब इसमें चम्मच चलाया जाएगा अच्छे तरीके से, और ये मसाले की अच्छे तरीके से बनाई हो रही है। इसके बाद इसमें चावल, पानी ऐड किया जाएगा, जब पानी को उबाल आ जाएगा फिर चावल ऐड किए जाएंगे। नाजरीन, ये अब चने ऐड होने लगे हैं इसमें। ये चने आपके सामने 1 kg चने थे, इसको पहले अच्छे तरीके से वो किया, भिगो के रखा है, फिर इसमें उबाला है अच्छे तरीके से। अब ये सूखा धनिया जो है पिसा हुआ वो इसमें ऐड किया जा रहा है। ये 1 पाव ऐड करना है, 1/2 पाव हमने आप ऐड किया, 1/2 पाव बाद में ऐड किया जाएगा। अब चम्मच इसको अच्छे तरीके से हिलाया जाएगा चम्मच, उसके बाद फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मसाले की बनाई हो चुकी है, अब इसमें पानी ऐड किया जा रहा है। 12 किलो चावलों में ये कितना पानी भाईजान ऐड होगा इसमें? 12 किलो 17 किलो इसमें पानी ऐड होगा। ये आपके सामने पानी इसमें डाला जा रहा है। एक बाउल डाल दिया, दूसरा बाउल आ रहा है, दूसरा बाउल आ गया। ये देखें इसका कितना प्यारा कलर निकल चुका है। ये जैसे बनाई होती है पानी इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो जाए तो ये बुनाई जो है वो नीचे लग सकती है, ख़राब हो सकती है। देख तो जैसे ही आपकी बुनाई मुकम्मल हो जाए तो उसमें ये ऐड कर देना है फौरन पानी। 17 kg पानी इसमें ये ऐड हो रहा है, ये तीसरा बाउल उसमें ऐड हो गया है। अब इसमें और पानी ऐड होगा, अभी 15 kg ऐड हुआ है, 2 kg और ऐड होगा। ये 5 kg का बाउल है, ये 2 kg और ऐड हो गया है।
जैसे आप इस पानी में जैसे ही देख में उबाल आएगा तो इसमें चावल ऐड किए जाएंगे। अब इसको इसको ये ढक्कन से ढक दिया गया। नाज़रीन ये पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें चावल ऐड किए जाएंगे। ये चावल हैं 12 kg जो इसमें ऐड किए जाएंगे। इसका पानी निचोड़ दिया जाएगा। ये चावलों को अच्छी तरह से धोना है, पहले 3-4 पानी से निकालना है, उसके बाद फिर ऐड करने हैं चावल। अब जो चावल ऐड कर दिए जाएंगे इसको दम पे लगाया जाएगा। चावलों में चमचा हिला के अच्छी तरीके से चम्मच हिलाया जाएगा, उसके बाद इसको दम पे लगाया जाएगा। ये चम्मच हिलाया जा रहा है, ये देखें कैसा ज़बरदस्त कलर निकला है चावलों का। ये कितनी देर बाद भाई दम पे लगाएंगे? 5 मिनट में इसको उबाल आ जाएगा, जो पानी खुश्क हो जाएगा। इसमें ऐड किया जा रहा है गरम मसाला, जो अच्छे तरीके से पहले भी थोड़ा सा ऐड किया था, अब दोबारा ऐड किया। ये पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसको दम पे लगा दिया जाएगा। नाज़रीन ये चावल तैयार हो चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है, अब इसको दम पे लगाया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, अब इसको उतार के लेके जाया जा रहा है, कोयलों पे रखा जाएगा, जहाँ इसको अच्छे तरीके से दम लगाया जाएगा। ये देखें बड़े ज़बरदस्त पुलाव की शक्ल के चावल तैयार हुए हैं हमारे। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं चना और गोश्त मिक्स करके हमने चावल बनाए, काबली पुलाव बनाया बड़ा ज़बरदस्त। ये देखें आप, परात दे दिए, कपार गीला करके परात पे लगाया था। अब इसको दम लगेगा, 20 मिनट के करीब इसको दम लगाया जाएगा। ये कोयले लगाए जा रहे हैं देख की साइडों पे, ये आप देख सकते हैं। ये अच्छे तरीके से भाजन कोयले साइडों पे लगा दिए गए हैं। ये 20 कितने मिनट का भाजन दम लगेगा? आधे घंटे का भाजन दम लगाया जाएगा, उसके बाद ये आपको चेक करवाएंगे। नाज़रीन ये मीठे चावलों की देख का दम खोल दिया गया है। ये चावल आपको दिखाएंगे, ये दिखाएं भाजन चावल कैसे बने हैं। ये देखें बड़े ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। अब इसमें ये चीज़ें ऐड की जाएंगी, ये रंग बना के, ये इसको हम कहते हैं मनक्का, या इसको कह लें आप दाखें, और ये मुरब्बा इसमें ऐड किया जाएगा। दो किस्म के मुरब्बे हैं, और ये रसगुल्ले हैं इसमें ऐड किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें अब इसमें ऐड की जाएंगी। नाज़रीन ये रंग तैयार होने लगा है, जो देख में ऐड किया जाएगा। ये साथ साथ बता दें भाई कौन कौन सा रंग है। जर्दा, यह जर्दा रंग है, ये हल्दी कलर का जो रंग है ये वो है, और दूसरा इसमें ऐड किया जाएगा ये लाल सुर्ख रंग ऐड किया जाएगा। ये 7 रंग के चावल जो बनाते हैं उसके लिए, ये जो 7 रंग के जो चावल बनाए जाते हैं उसके लिए ये रंग ऐड किए जाते हैं। ये सुर्ख रंग है, उसके साथ ही ये ग्रीन रंग, जो क्रीम कलर है वो ऐड किया जाएगा। ये आप बैग में ऐड किए जाएंगे। ये देखें नाज़रीन ये कैसे ऐड करने हैं आपके सामने। ये रंग ऐड हो गए हैं, अब इसमें ये डाल दिए गए हैं मनक्का जिसे कहते हैं, और ये मुरब्बा इसमें ऐड किया जाएगा। नाज़रीन ये मुरब्बा इसमें ऐड किया जा रहा है आपके सामने। ये येलो और रेड कलर का मुरब्बा था जो इसमें ऐड किया, अब इसमें रसगुल्ले ऐड किए जाएंगे। ये
ये देखें रसगुल्ले काफ़ी क्वांटिटी में ऐड किए जा रहे हैं रसगुल्ले। ये अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूरत के मुताबिक जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं। चलें जी आप देखो ढक दिया, ये आप 5-1 मिनट बाद इसको हिलाया जाएगा अच्छे तरीके से। नाज़रीन ये नमकीन चावलों का दाम ऊपर आने लगे हैं, ये देखें कैसी प्यारी खुशबू आ रही है ज़बरदस्त किस्म। ये चावल बड़े ज़बरदस्त केला केला चावल तैयार हुआ है, ये हम चेक करके भी बताएंगे आपको कैसे ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। ये नमकीन चावल मीठे चावल हैं और ये नमकीन चावल हैं। ये देख हमारी तैयार हो चुकी है, ये आप मीठे चावल इसमें चम्मच चलाया जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखें 7 रंग के जो चावल तैयार हो गए हैं ये आपको दिखा देते हैं, बड़े ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। ये हमारी दोनों देखिए तैयार हो चुके हैं नमकीन और मीठे चावलों की। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन ये चावल जो हमने तैयार करवाए हैं ये अब दावत आम चल रही है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे ये खा रहे हैं। इतनी तेज़ी से कोई भी नहीं खाता जितनी तेज़ी से ये खा रहे हैं। ये हम रिव्यूज़ भी लेते हैं साथ साथ। हाँ जी भाईजान बताएं ये मुनव्वर भाई कैसे बने हैं चावल? माशाल्लाह ये नमकीन चावल ये आप खा रहे हैं और मीठे चावल का रिव्यूज़ लेते हैं सदर साहब से। सदर साहब ये बताएं मीठे चावल कैसे बने हैं? सदर साहब नहीं बताना चाहते क्योंकि उन्हें शर्म आ रही है। हाँ ये हमने दावत किया है अमेजोन प्लस मार्केट के बंदों की और ये इंस्पेक्टर सोमी साहब बैठे हैं इधर सामा सोमी से। एम में इंग्लिश होल्डर हैं भाई ये हमारे, इनके साथ इनका कज़न बैठा है और ये माशाल्लाह सारी पढ़ी लिखी फैमिली बैठी है आप देख सकते हैं। अमेजोन होल्डर भी हैं यहाँ पे कई, यहाँ पे मुनव्वर भाई केबल वाले बैठे हैं, इमरान भाई अमेजोन वाले, ज़ुबैर भाई होंडा सर्विस वाले, नुमान भाई अमेजोन माशाल्लाह। और ये सदर साहब मार्केट के सदर हैं, ये इसके अंदर 500 दुकानें आती हैं आप देख सकते हैं और ये कैसे खा रहे हैं नोट कर सकते हैं। तो नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।